वीडियो के बाहर सब अपनी चप्पल उतार लो और घंटी बजाकर अंदर आ जाओ। Hey, what is up everybody and welcome back to another video. तो आज हम सब फिर से Instagram की कुकर्मों की यात्रा पर निकलने वाले हैं। So अपनी बोरिया बिस्तर बांध ले and let's begin. Instagram, यहाँ पे आजकल बहुत बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। कोई सेल्फीज अपलोड करके फेमस हो रही है तो कोई उसके फोटो पे जाकर नाइस पिक डियर लिख रहा है, और ये बंदे का स्वैग ना अलग लेवल है। थोड़ा सेल्फ प्रमोशन, ये बंदा रोज रात को इंस्टाग्राम पे शराबियों की तरह ऐसे डांस परफॉर्मेंस देता है, लाइव डांस परफॉर्मेंस। तो अगर आपको ऐसे नाच देख के जीवन का आनंद मिलता हो तो जाओ इसे फॉलो करो @theRonnie। मैं आपसे रात को मिलूंगा, जीवन का आनंद इज गारंटीड। Instagram live streams are subject to sleep risks. Read all stream related stories and posts carefully. बाद में नहीं बोला, कल रात को सोने नहीं मिला। तो Instagram इन सब चीजों में तो बहुत ज्यादा फेमस है, बट recently आजकल ना कुछ एक नया कांड शुरू हुआ यहाँ पे। इस कांड को लोग प्रेम से I know who you are कहते हैं। I know you मतलब अपन तेरे को जानते हैं। ये कहाँ से बोला ये? कांता? किधर छुप के बैठे रहे तो? Anyway. कंटिन्यू करते हैं। तो इस कांड में भाग लेने के लिए आपको तीन छोटे छोटे कदम उठाने हैं। पहला कदम, इसे फॉलो करें। दूसरा कदम, आपके सारे फॉलोअर्स को इसको फॉलो करने बोले। तीसरा कदम, उनको डीएम करो डन, और उसके बाद आपके मौके का इंतजार करो। उसके बाद ये बंदा आपको डीएम करके आपके बारे में बताएगा, जो पढ़ के आप खुश हो जाओगे। सबसे पहली बात, इसमें किसको क्या आनंद आने वाला है? नहीं भाई, मुझे उन सब लोग से इस चीज का जवाब चाहिए जो इन लोग को रोज डीएम और कमेंट पे कमेंट करके सेम चीज बोले जा रहे हैं। Please me, I'm trying for so long. I've tried to twice, I've tagged to three eyes. Please. तो इसको सिंपल भाषा में समझाया जाए तो ये एक बंदा है जो आपके बारे में आपको ही ज्ञान बांटेगा और वो सुन के आप खुश हो जाओगे। क्या? यूजुअली अगर आप किसी लड़की को जाकर पूछते हो, व्हाट इज योर नेम? आई हैव अ बॉयफ्रेंड। कैन आई गेट योर फोन नंबर? आई हैव अ बॉयफ्रेंड। हाउ आर यू? आई हैव अ बॉयफ्रेंड। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? आई हैव अ बॉयफ्रेंड। क्या आपके शैम्पू में असली मसाले सच MDH है? आई हैव अ बॉयफ्रेंड। क्या आपके जीवन में आनंद है? आई हैव अ बॉयफ्रेंड। मेरा बाप करोड़पति है। आई हैव अ बॉय। क्या कुछ बोला आपने? हेलो, आई एम रेशमा। हेलो, आई एम सिंगल, ready to mingle. Hello. ए हॉकी से कर रहे? और यहाँ वही लड़की आके डीएम पे डीएम कमेंट पे कमेंट करके बोलती है कि तू वो सवाल के जवाब पूरे दुनिया को बता जो सवाल मुझे अगर कोई और आके पूछे उसको मैं एक ही जवाब दूंगी कि I have a boyfriend. Very good. तो यूजुअली जो लोग ये तीन कदम उठाते हैं, ये अकाउंट उनके बारे में कुछ ज्ञान उनको बता देता है। अब ये कैसे होता है? आपकी तरह कोई बंदा उनको डीएम करके डन बोलता है, फिर ये लोग वो बंदे को उसी बंदे के बारे में थोड़ा सा ज्ञान बांटेंगे और वो सुन के ये बंदा शॉक हो जाएगा और उसका रिएक्शन कुछ इस तरह होगा, Oh my God, how did you do it? फिर ये कॉन्वर्सेशन का वो बंदा स्क्रीनशॉट लेगा, उसे पोस्ट कर देगा। जनता खुश कि ये बंदा ऐसे कैसे कर लेता है, ये बंदा तो भगवान है। और इसी भगवान से थोड़ी कृपा बरसा लेने की उम्मीद से सब लोग भीख मांगने लग जाते हैं कि भाई मेरा भी कर दो। तो ये लोग ये कैसे करते हैं? इसके तीन पॉसिबल तरीके हैं जो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। नंबर वन, ये लोग अंतर्यामी हैं। इन्हें दुनिया के कोने कोने में क्या चल रहा है सब कुछ का ज्ञान होता है। किसी के भी बारे में कुछ भी ज्ञान पाना हो ना तो ये लोग पा सकते हैं। अब ये शक्ति किसी को ऐसे ही नहीं मिलती है, ये शक्ति पाने के लिए आपको घोर तपस्या करनी पड़ेगी। सिर्फ पिंक कलर की लंगोटी पहनकर आपको गटर में बैठना है पूरे 100 दिन तक। इस 100 दिनों के दौरान आपको ईयरफोन्स लगा के बस एक ही गाना लूप में सुनना है। इसके बाद आपको वो अद्भुत शक्ति प्राप्त हो जाएगी, इसके लिए बंदा अभी तक गार्डन में भटक रहा है। तो ये शक्ति प्राप्त होने के बाद इसका प्रयोग कैसे करें? सबसे पहले आपको एक पेन ड्राइव लेना है, उसको अपने पिछवाड़े में घुसड़ना है, फिर आपको आंखें बंद करनी है और आपको उस इंसान के बारे में सोचना है जिसने आपको डीएम किया डन। ये सोचते वक्त बैकग्राउंड में ये गाना प्ले होगा। और जब भी ये गाना प्ले होने लगे, आप समझ जाना कि उसी क्षण आपको उस मनुष्य के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त हो गया है। बस उसके बाद पेन ड्राइव को पिछवाड़े से निकाल लीजिए और अपने पीसी में डाल लो, बस ज्ञान उसके ऊपर फाइल रेडी होगा यूज करने के लिए। नंबर टू, ये लोग हैक करते हैं, जिसका मतलब ये कोई ऐसा बंदा है जो अंधेरी रूम में, वेरी गुड, एक कंप्यूटर के सामने पूरा दिन बैठा होगा और उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे बस ऐसे नंबर्स दिखते हैं। इनफ फील नहीं आ रहा है।
ये हुई ना बात, अब लग रहा है ना ये लौंडा हैकर। तो ये एक ऐसा एक्यूरेट और विला हैकर है जिसके जीवन में कुछ काम धंधा है ही नहीं, जो सिर्फ लोगों के बारे में हैक करके ज्ञान उनको ही बांटता है फॉर फन। नंबर 3, ये कान सुन के आपके दिमाग के पीछे से कुछ ऐसा आवाज आता है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। अब सोचो कोई अननोन इंसान आपके बारे में इतना कैसे जान सकता है, आपके माँ बाप का नाम, आपके स्कूल का नाम, आपके कॉलेज का नाम, आपके फ्रेंड्स का नाम, इवन आपके क्रश का नाम, कैसे? बाकी सब कुछ ठीक है बट क्रश कैसे? तो यहाँ पे ये लोग कुछ इस तरह कर सकते हैं। तो क्या हुआ? हेलो ए भाई, डेट पे जा रहे ले रहे अपन, सोच रहे उसके लिए मोगरे का हार लेके जाओ। हार? अबे शादी करना या राम राम सत्या? अरे भाई वो सब छोड़, ये बता लड़की कौन है? अरे भाई इंस्टाग्राम पे का आइटम मिले लिया अपने को, क्या रावस दिखती है रे, अब वो इसी सहित शादी करेंगे, तेरी भाभी बनेगी ये। उसका नाम क्या है? ये एंजल रिया। भाई तू क्या कल पैदा हुआ है क्या? रे किस साल हो गए पैदा होके। तूने ये लड़की से पूछा है कि उसका रियल नेम क्या है? बोलिस ना, एंजल उसका नाम है और रिया उसका सर नेम। ये लड़की का प्रोफाइल पिक्चर दीपिका पादुकोण है? ए भाई तेरे को कैसा मालूम रे? अरे एक सेकंड रुक जा। अरे बुड़बक तू क्या कर रहा है? हम कुछ ना ही किए, वही लाइन मारो थे अमरी पे, बोले कि नाइस पिक डियर। अरे भाई तुम लोग दोनों का प्रॉब्लम क्या है यार, जब भी मुझे शूट करना है तभी तुम लोग कुछ ना कुछ कांड करना क्यों होता है? ठीक है तो ये बुड़बक हमारा साथ देगा इस कांड को अंजाम देने में। तो ये बुड़बक ने एंजल प्रिया वाली फेक आईडी बनाई है जिससे वो मुझे डन लिखेगा। बुड़बक भेज दिए। ठीक है तो अब मैं इसके डन के आगे 10 लाइन का ज्ञान बांटूंगा इसके बारे में, कि ये कहाँ रहती है, क्या खाती है, इसके क्रश कौन है, इसके एक्स कौन है, इसका बाप क्या है, इसके माँ क्या है, भविष्य में क्या बनने वाली, इसे कितने बच्चे होने वाले, सब कुछ। उसके बाद बुड़बक फुल एक्साइटेड होगा और लिखेगा ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, हाउ डिड यू डू दैट, जिसके बाद मैं पूछूंगा इज दैट करेक्ट, उसके बाद वो लिखेगा यस, बस मिशन अकॉम्प्लिश्ड। बस फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना है, पोस्ट करना है और डीपी और नाम हाइड कर देना है, हो गया। बस यार तो ये रहे 3 ऑप्शन जिनसे ये पेजेस अपना काम कर रहे हैं और बाकी तुम लोग डिसाइड कर लो। हाँ बोल क्या हुआ? अरे और एक पॉन्चिंग मिलती है रे। क्या? ये लोग उल्लू की टट्टी है। उल्लू की टट्टी? इरे तामरे ये मने आप म्यूजिक लाओ रे। ओ इल्लुमिनाटी। मैं इला इल्लू की टट्टी बोलता है। तो यार ये रहे वो 4 ऑप्शंस, अब तुम लोग सोच लो, तुम लोग डिसाइड कर लो क्या सच है क्या झूठ है और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। बस बाकी इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो लोग पेजेस के पीछे भाग रहे हैं अपने बारे में कुछ ज्ञान लेने के लिए। और तुम लोग को अगर ये वीडियो देख के जीवन का आनंद मिला तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक मार दो, और अगर तुम लोग मेरे इस चैनल पे नए हो तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसकी जाकर मार दो मगर प्यार से। एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। मंचु दैन दिस इज रॉनी एंड यू जस्ट सॉ द रॉनी शो। बाय बाय। भाई आप उन्हीं एंजल से मिलने जा रहे हैं, आप उनको ना फर्स्ट इंप्रेशन एकदम एक नंबर मारने का है, क्या पहन के जा रहे हैं? तेरे को अभी तक नहीं समझा? एक काम कर, लंगोटी पहन के जा पिंक कलर का।